हे गाइस, वेलकम टू स्टडी बाय हार्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप 35 mm इंटू 45 mm की वीडियो बना सकते हैं। वो ये बनाना काफ़ी इजी टास्क है, सो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू से न्यू अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए पावर पॉइंट। सो हम पावर पॉइंट में चलते हैं, जहाँ सबसे पहले हमारे पास एक पिक्चर जिसको हमने 35 mm इंटू 45 mm की पिक्चर बनाना है। सबसे पहले इससे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, जैसे कि ये रहा, जैसे कि यहाँ पे हमको चाहिए 35 mm की पिक्चर। लेकिन 35 mm को मैथमेटिकल ऑर्डर में 3.5 सेंटीमीटर भी कहते हैं और 45 mm को 4.5 सेंटीमीटर। इसको बताने का टास्क मेरा ये है, नज़रिया मेरा ये है, क्योंकि यहाँ पे अपने पावर पॉइंट में जो मिलीमीटर यूज़ नहीं होता, वहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ होता है। सो हम एक पिक्चर को बना के देखते हैं इसकी 35 mm इंटू 45 mm की। ये रही हमारी पिक्चर और हम देखो जाना यहाँ पे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विड्थ कितनी बताई हुई है, 10। उसके ऊपर दो इन्वर्टेड कॉमेज लगे हैं, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर। और यहाँ पर हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा नज़र आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको अनटिक करना है लॉग एक्सपेक्टेड रेशो को। और जैसे कि हमने बनानी है 3.5 mm की विड्थ, तो हम यहाँ पर 3.5 mm कर देते हैं, 3.5। और हमें हाइट कितनी चाहिए, 4.5, मैंने 4.5 कर दी और यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारी बन गई पिक्चर, 3.5 विड्थ और 4.5 हाइट वाली। सो इसको हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एज पिक्चर पे क्लिक करना है। और जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं, अगर मैंने यहाँ पे सेव करना है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि JPG फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट में ही इसको सेव करना है। सो इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। सो इतना इजी है 35 mm इंटू 45 mm की वीडियो एक पिक्चर को बनाना। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।